सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी आसान हो जाती है। दोस्तों से बिछड़ के यह एहसास हुआ है, बेशक कमीने थे लेकिन रौनक उन्हीं से थी। हौसलों के उड़ान मंजिल तक ले जाती है, बुलंद हो इरादे जिनकी किस्मत भी उनका साथ निभाती है। आज का पंचांग 26 नवंबर 2022 दिन शनिवार, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, शाम 7:28 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मूल नामक नक्षत्र दोपहर 2:58 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:32 से 10:53 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:52 से 12:35 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर संचार करेगी पूरे दिन रात और आज सूर्य वृश्चिक राशि पर रहेंगे। मीन राशि 26 नवंबर 2022 दिन शनिवार, रैंक के पद में हुए बदलाव से यात्रा का मौका मिलेगा। शिक्षक या सलाहकार भी इस यात्रा में आपके साथ जुड़ सकता है। इस पल का पूरा उपयोग करें और जीवन के बारे में अपनी विचारों को बदलें। चोरी या स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से बचने के लिए यात्रा करते समय सावधान रहें। आज के दिन आप अपने सभी विचाराधीन काम पूरा करेंगे, इसी कारण अपने सहकर्मियों का ध्यान आकर्षित करेंगे। आपका भविष्य बहुत रौनक है, अवसर और भाग्य दोनों आप ही की तरफ है। परिश्रम करें और विजय हासिल करें। बड़े सपने देखने वालों के सभी सपने हमेशा पूरे होते हैं। प्रभावशाली लोगों का सुखद सानिध्य मिलेगा तथा नए नए अनुभव भी हासिल होंगे। अविवाहित लोग अपने विवाह संबंधित चर्चाओं को लेकर उत्साहित रहेंगे। आज बच्चों और परिवार के साथ शॉपिंग और मनोरंजक समय व्यतीत होगा। जैसा बड़ा लक्ष्य आपने तय किया हुआ है उससे संबंधित विश्वास कम होने से मानसिक तकलीफ हो सकती है। जब आप काम करना शुरू करेंगे आपको मार्ग भी मिलता रहेगा। काम की वजह से विदेश में यात्रा करने का मौका प्राप्त हो सकता है। पार्टनर्स को एक दूसरे का स्वभाव ठीक से जानने की कोशिश करनी होगी। छाती से संबंधित विकार बढ़ने की संभावना है। सावधानियां, किसी भी नए कार्य की शुरुआत करने से पहले उससे संबंधित उचित जानकारी लेना जरूरी है। जिद व जल्दबाजी में लिए गए फैसले बदलने पड़ सकते हैं। अपने निजी काम के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे, इसके लिए मन में कुछ परेशानी रह सकती है। बात करते हैं लव लाइफ की। इस समय माता पिता आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण है। भावुकता पर नियंत्रण रखें और रोमांटिक जीवन में बदलाव के बारे में सोचें। किसी से प्यार है तो आज के दिन इसे व्यक्त करने के लिए शुभ है। काफी समय से बचा हुआ काम आज आप पूरा कर लेंगे। इससे आपके सहकर्मी भी आपकी तारीफ करेंगे। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको संतुष्टि मिलेगी। अपने साथी को कुछ समय दें और अपनी भावनाओं को साफ साफ व्यक्त करें। बात करते हैं करियर की। पिता की तरह का कोई व्यक्ति या आपके अधिकारी आपके कौशल को पहचानते हैं। उच्च शिक्षा के लिए यह समय आपके लिए अच्छा नहीं है, इसलिए कुछ समय अभी इंतजार करें। जल्द ही विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। शिक्षक का साथ कानूनी मामलों को हल करने में मददगार है। लंबे समय से अटके हुए कार्य आज पूरे होने की कगार पर हैं। इससे आपको खाली समय मिलेगा। मौके का सही उपयोग करके अपने करियर में 4 चांद लगाएंगे। आप अपने आसपास के लोगों का ध्यान आकर्षित करें और सब कुछ उस चीज के प्रति समर्पित कर दें जिसे जीवन कहा जाता है। बात करते हैं सेहत की। रक्तचाप व थायराइड से प्रभावित व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। शारीरिक क्षमता में कमी महसूस होगा। योग मेडिटेशन पर जरूर ध्यान दें। आज का उपाय, आज आप शनि भगवान जी को नारियल चढ़ाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।